नमस्कार स्वागत है आपका नेक्स्ट एंड ने, स्पोर्ट्स में मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट प्रतिक कहावत सुनी होगी आपने बचपन से सभी सुनते हैं कि डू और डाई करो या मरो करना तो होगा नहीं करोगे तो मरो अब यह चीज कहीं ना कहीं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के थर्ड ओडीआई में साफ साफ दिख रहा है क्योंकि दो मैचेस हम जीते इधर टी हम जीत गए दो एक से हमने टी में वेस्ट इंडीज को हरा दिया ओडीआई में आए एक एक से सीरीज बराबरी पर है पहला मैच वेस्ट इंडीज यानी कि विंडीज जीता और दूसरा हम जीत गए तो विशाखापट्टनम हमारे लिए लकी रहा लेकिन अब हम सीधा जा रहे हैं उड़ीसा की तरफ कटक कटक में हम खेलेंगे बारबती स्टेडियम में आखिरी वनडे और यहां पर विराट की सेना को वापस से वही चीज को गर्जाना होगा क्योंकि जो गर्जन विशाखापट्टनम में जो आवाज सुनी गई है पूरे देश ने सुना पूरी दुनिया ने सुना पूरे क्रिकेट जगत ने सुना अब यही गर्जन एक बार वापस कटक में गुजनी चाहिए और इस पर आज बात करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी पत्रकार अमन जी डू और डाई वाली बात है सर आखिरी मैच क्योंकि यही जीतेंगे तभी क्योंकि अभी तो एक एक एक्सम ड्रॉ कर रहे हैं बराबरी पे लेकिन एक मैच अभी बचा है वो जीत गया सीरीज हमारा क्या कहेंगे देखिए बिल्कुल वेस्ट इंडीज़ को भी मैं सोचता हूँ कम नहीं आखना चाहिए क्योंकि बेहतर टीम नजर आ रही है हालांकि पूरी तरह से परफॉर्मेंस जो है मिलजुल कर निकल कर सामने नहीं आई लेकिन छिटपुट में ही अगर देखें तो कभी होप अच्छा कर जाते हैं तो कभी हेटमायर अच्छा कर जाते हैं बीते मुकाबले में हम लोगों ने देखा जिस तरह दो शतक निकल कर आया और आठ विकेट से जो वेस्ट इंडीज़ टीम जीती तो उसने कहीं ना बता दिया कि बहुत ये टीम भी जो है कम लड़ने वाली नहीं है और उसने जीत दर्ज करके साबित भी किया उसके अलावा अगर देखें दूसरा जो ओडीआई भले ही वेस्टइंडीज हार गए लेकिन फिर भी वो जद्दोजहद करते हुए नजर आए होप ने पर अच्छी अच्छी पारी खे वहीं पूरन अच्छी पारी खेली खेली वहीं तो ये ये जो जो लगातार परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है, वो बता रही है है वो बता कि भले ही कंटिन्यूटी में ना हो लेकिन कुछ कुछ प्लेयर हैं पर अभी भी है जान बाकी है और खासी वो लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन इस सब में एक चीज हम लोग भूल रहे हैं कि पोलार्ड का बल्ला खामोश है पोलार्ड ने पूरे ही टूर्नामेंट में कोई बहुत बेहतर बैटिंग करते हुए नजर नहीं आए पहले मुकाबले में तो हालांकि उनको बैटिंग ही नहीं मिली दूसरे में अगर देखें तो बैटिंग मिली तो जीरो पर आउट हो गए तो पोलार्ड चलना इस टीम के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि वो बड़े नामों में से एक अगर वो नहीं चल पाते हैं तो टीम का, का बैलेंस नहीं क्योंकि अगर की बात करें सर तो पोलाड भी लास्ट मैच जो सेकंड ओडीआई में था उसमें भी सुनने पर आउट हुए बिल्कुल है? और पहले मुकाबले में भी उनको बैटिंग नहीं मिली तो ये जो लगातार हो रहा है कि पोलार्ड का जो दमखम है वो देखने को नहीं मिल रहा है या वो नजर नहीं आ रहा तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब इंडीज के लिए हो सकता है क्योंकि जिस तरह से वो पहले दूसरे टी ओडीआई में आउट हुए हैं उसने कहीं ना कहीं परेशानी में जरूर डाला है वेस्ट इंडीज़ के लिए लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो फॉर्म में वापसी करेंगे तो बेहतर खेल दिखाएंगे लेकिन हाँ इंडिया के लिहाज से अगर बात की जाए तो इंडिया टीम इस समय बहुत ही लाजवाब दौर से गुजर रही है रोहित शर्मा और के

ने वो जो कमी पूरी कर दी लेकिन अब देखने वाली बात होगी आने वाले जो मुकाबला 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 है करो या मरो का मुकाबला सही का। आपने दोनों ही ही टीमें एक ना कहीं सेम पोजीशन पर खड़ी हुई हैं और जो बेहतर करेगा वो ट्रॉफी ले जाएगा ऐसे में इंडियन टीम जी जान लगाना चाहिए होम ग्राउंड में उनके मैच मुकाबला हो रहा है ये तो बिल्कुल उनके लिए बहुत ही रोचक होगा बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला होने वाला है कि वो कैसे इस मुकाबले को जीतते हैं और किस तरह से ट्रॉफी अपने नाम करते हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए चलिए तो मैं बता दूं आपको लास्ट ओडियाई यानी कि आखिरी ओडिया हम खेलेंगे दिसंबर दिसंबर को 22 दिसंबर को इंडिया वेस्ट का का आखिरी आखिरी मैच मैच साल और और जीत के साथ हम खत्म करना चाहेंगे और इसके लिए पूरा टीम लगा हुआ है क्योंकि विराट बस नहीं चले पिछले मैच में सेकंड उडिया में लेकिन आखिरी मैच में विराट भी चलेंगे और देखते हैं क्या कुछ होता है थर्ड मैच में क्योंकि ये और डाई का मैच है और जीतते ही ये सीरीज हमारा ये साल हमारा तो फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स